हेलो गाइस, दिस इज इमरान फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन। मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से आप सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम और ढेरों दुआएं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है वो इलेक्ट्रिक और हार्डवेयर स्टोर के हवाले से है। शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं क्लिप, ये एक्चुअली शॉप है मेरे कज़न की, फर्स्ट कज़न की, लाहौर डिफेंस के अंदर। तो इलेक्ट्रिक का जो बिजनेस है आप इसको डिफरेंट पैमाने पे कर सकते हो। आप 5 लाख से लेकर 50 लाख तक ये बिजनेस हो सकता है। अभी ये जो शॉप है इस पे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये एरिया जो है पोर्श एरिया है, ये डिफेंस एरिया में बनाई हुई है। तो इन्होंने जो प्रोडक्ट्स या आइटम्स रखी हुई हैं ये डिफेंस के हिसाब से रखी हुई हैं या गुलबर्ग के हिसाब से रखी हुई हैं। तो जो 5 लाख का सामान आएगा वो आपने अपने एरिए के हिसाब से खरीदना है। इसमें काफ़ी किस्म की लाइट्स होती हैं, बल्ब्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की लाइट्स हैं। मैं जब विज़िट करता हूँ तो मुझे तो नियरली कोई 500 से ऊपर डिफरेंट लाइट्स नज़र आती हैं। फिर इसमें आपने तार, जो तारे हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, वो रखनी है। आपने इसमें हार्डवेयर का, इन्होंने हार्डवेयर का एक छोटा सा सेक्शन साथ में बनाया हुआ है, क्योंकि हार्डवेयर में आपको 50% प्रॉफिट मार्जिन है। बाकी जो लाइट्स हैं, जो बल्ब्स हैं, उसमें 15 से 20% प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। वो डिपेंड करता है, अगर तो जिस तरह फिलिप्स हैं या बड़ी कंपनीज हैं वो प्रॉफिट मार्जिन कम देती हैं, लेकिन उनका जो टर्नओवर है वो ज़्यादा होती है, उसकी सेल ज़्यादा होती है, तो इस वजह से प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन टर्नओवर ज़्यादा है। अगर आप लोकल मेड कोई चीज़ें रखेंगे तो वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा हार्डवेयर चाइना का है और इसमें 50% प्रॉफिट मार्जिन है। ये मैं वीडियो के एंड पे बताऊंगा ये सारा सामान आप किधर से खरीद सकते हो। उसके बाद इन्होंने ये डोरबेल्स रखी हुई हैं, टॉर्चेस रखी हुई हैं, स्विच प्लेट्स हैं, सॉकेट्स हैं, ये सारी रखी हुई हैं। अभी स्विच प्लेट्स, जो सॉकेट्स हैं, उनकी नियरली को 500 के करीब डिफरेंट डिज़ाइन इन्होंने रखे हुए हैं। आप 10 डिज़ाइनों से शुरू कर सकते हैं, जो कि आम डिज़ाइन होते हैं, जो कि जिस तरह सामने ये वाइट है ये आम डिज़ाइन हैं, लेकिन इसमें भी आपको 5-6 डिफरेंट वराइटीज़ मिलेंगी, छोटे बड़े ये सारे जो स्विच हैं वे ये मिलेंगे। अभी इसमें जो है ये गोल्ड है, इसमें भी आगे काफ़ी रेंज है। तो ये हर कंपनी ने अपने अपने डिस्प्ले ये लगाए हुए हैं। तो इस तरह ये नियरली कोई 500 के करीब डिफरेंट डिज़ाइन बनते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से, अगर आपने 5 लाख से काम शुरू करना है तो डेफिनेटली आप इतनी ज़्यादा रेंज जो है वो डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो आप 5 से 10 डिफरेंट डिज़ाइन जो हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। तारे जो हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, वो काफ़ी इनके पास कोई 20-25 कंपनीज काम कर सकती हैं। जैसा ये न्यू एज है, ये सबसे महंगी है, तो आप सबसे महंगी, अगर आपके पास बजट इतना है तो डेफिनेटली आप बड़ी तार से काम कर लें, ये 10% देते हैं न्यू एज वाले। अगर आप कोई इससे हल्की कंपनी से काम करना चाहते हैं तो वो 15% 20% तक भी जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। सबसे पहले तो आपने डिफाइन करना कि आपकी पॉकेट में आप कितना बजट लेके चल रहे हैं और आपका इलाका कौन सा है, क्योंकि आप अगर किसी छोटे शहर में और इतनी बड़ी ऐसी आप शॉप रखते हो तो वो डेफिनेटली सामान जो है वो इतना सेल नहीं होगा। तो आपने अपने एरिए के हिसाब से, डेमोग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हो। तो जब आपने अपना शहर देख लिया कि छोटा शहर है या बड़ा शहर है, उस हिसाब से फिर आपने ये सामान जो है वो उसकी लिस्ट बनानी है कि आपको कौन कौन सा सामान चाहिए। आपने मुख्तलिफ ठेकेदार जो है उनसे मीटिंग करनी है और उनसे पूछना है किस किस कंपनी के ज़्यादा सामान जो है वो फ्लोट का होता है या वो परचेज करते हैं। वो आपने लिस्ट तैयार करनी है और उस बेस पे आपने जो है वो सामान खरीदना है। इन्होंने हार्डवेयर की वैरायटी रखी हुई, लेकिन सारा टोटल हार्डवेयर नहीं रखा हुआ,
वो हार्डवेयर रखा हुआ है जो कि रनिंग आइटम में आता है, जो कि नॉर्मल रूटीन में चलता है, तो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। ज्यादा चाइना मेड है, कुछ चीजें जापान की हैं ये हार्डवेयर में। और ये सीलिंग लाइट्स हैं, इनका बहुत ट्रेंड है, ठीक है, लेकिन ये बड़े शहरों में चल रही है अभी। मुझे नहीं मालूम कि आप जिस सिटी से हो उस सिटी में इस किस्म की लाइट्स जो हैं वो चल सकती हैं कि नहीं चल सकती, लेकिन अगर आप 5 लाख से शुरू करना चाह रहे हो तो आपने डेफिनेटली ये लाइट्स नहीं खरीदनी। आपने सिंपल जो LED लाइट्स हैं, बल्ब्स हैं, ट्यूब्स हैं, आपने उससे काम शुरू करना है। आपने लो रेंज जो वायर्स हैं आपने उससे काम शुरू करना है। अगर आपका 5 लाख का बजट है तो आप फिर हार्डवेयर का काम नहीं कर सकते उसमें, आपने सिर्फ इलेक्ट्रिक का ही काम करना है। आपने इलेक्ट्रिक की सॉकेट्स रखनी है, स्विच प्लेट्स रखनी है, आपने वायरिंग के लिए जो पाइप्स होते हैं आपने वो रखने हैं, आपने उसके रिलेटेड जो छोटी छोटी पेज वगैरह जो स्क्रूज हैं वो आपने रखने हैं। अभी ये ब्रेकर्स हैं, ब्रेकर्स में इन्होंने श्नाइडर भी रखे हुए हैं, ABB भी रखी हुई जो दुनिया के सबसे महंगे हैं। तो आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने लोकल रखने हैं या आपने मोस्ट एक्सपेंसिव जो जर्मनी के मेड है वो आपने रखने हैं या आपने चाइना मेड रखने हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके 5 लाख बजट पे या 10 लाख बजट पे या 50 लाख बजट पे, ठीक है। तो ये वो पंजाबी में कहते हैं कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा, और जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे उतना ही रिटर्न आपको जो है वो मिलता जाएगा। तो सबसे पहले आपने बिजनेस प्लान क्रिएट करना है, आपने देखना है कि आपका सिटी कौन सा है और आपकी शॉप किस एरिया में है। कोशिश करें जिधर नए घर बन रहे हैं, जो नई कॉलोनीज डेवलप हो रही हैं, आप उसके करीब कहीं अपनी शॉप लें। रेंट जो है वो 5 से 10 हज़ार रुपये आपका रेंट हो, और उसमें अच्छी सी शेल्फें वगैरह जो हैं वो लगा लें, या यूज्ड अगर आपको मिल जाती हैं तो आप यूज शेल्फें जो हैं वो आप उधर इंस्टॉल कर दें। उस पे नियरली कोई 25 से 30 हज़ार रुपया खर्चा आ जाएगा। आगे काउंटर कोई अच्छा सा खूबसूरत सा डिस्प्ले काउंटर रखें, वो 5 से 10 हज़ार रुपये में वो आ जाएगा। तो नियरली 1 लाख रुपये में आपकी दुकान का जो है वो डिकोर होगी। ये जो शॉप है इसकी डिकोर पे 8 लाख रुपया लगा था, लेकिन आपने अपना बजट देखना है, आपने 1 लाख रुपया डिकोर पे लगाना है। उसके बाद आप पैसे जेब में रख के तो आपने लाहौर आ जाना है। लाहौर में दो बड़ी मार्केट्स हैं इलेक्ट्रिक की, एक एक है शालम मार्केट लाहौर, उसके स्टार्ट में शुरू में ही इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक की सारी होलसेल मार्केट है। दूसरी होलसेल मार्केट है ब्रंट रोड। ब्रंट रोड पे कुछ आइटम्स आपको शालम मार्केट से मिलेंगी, कुछ आइटम्स आपको ब्रंट रोड लाहौर से मिलेंगी। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं ब्रंट रोड लाहौर। ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब है, रक्षा पे बैठे 5 मिनट की ड्राइव है, 5 मिनट में आप ब्रंट रोड पहुंच जाएंगे। ब्रंट रोड से शॉपिंग करें, परचेजिंग करें, और उसके बाद आप शालम मार्केट आ जाएं। शालम मार्केट वो ब्रंट रोड से नियरली कोई 10 से 15 मिनट रक्शे की ड्राइव है। तो ये सारी चीजें आपको दो दो पॉइंट से मिलेंगी। आपको ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की जरूरत नहीं है शुरू में, आपने लो क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी से आपने शुरू करना है, चाहे एक एक या दो दो बॉक्स जो है वो पैनलों के, स्विचेस के, सॉकेट्स के वो रख लें, एक एक कार्टन आप LED बल्ब का, या दो दो कार्टन LED बल्ब के आप रख लें, एक कार्टन आप रख लें उसका ट्यूबलाइट्स का। इसमें आपने क्या उसको बोलते हैं, वेरिएशन रखनी है, डिफरेंट कंपनीज के, दो तीन कंपनीज के आपने रखने हैं, दो तीन डिफरेंट क्वालिटीज आपने रखनी है, प्राइसेस कोई ऊंची प्राइस कोई नीची प्राइस वाले रखने, ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आए, आपके पास अगर कस्टमर कोई आता है अच्छा तो वो अच्छी चीज लेके जाए, अगर कोई कस्टमर आपको आता है बजट चीज खरीदने के लिए, इकोनॉमिकली चीज खरीदने के लिए, तो वो भी आप से मुस्तफी होके जाए, वो भी आपसे चीजें खरीद के जाए। तो आपने अपनी जो इर्द गिर्द की जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको आपने कवर करना है, इसलिए आपने
दो से तीन डिफरेंट वेरिएशंस रखने हैं, जो सॉकेट्स हैं उसमें भी आपने दो से तीन डिजाइन रखने हैं, एक ही डिजाइन से आपका काम है जो है वो नहीं चल पाएगा। तो इस तरह आपने अपनी पहली जो परचेज है उसको आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद डिस्प्ले रखें, डिस्प्ले करें, फेसबुक पे पेज बनाएं, अपने जितने ठेकेदार हैं उनसे मिलें, उनको इनवाइट करें लंच पे या डिनर पे, उनको अपनी दुकान के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएं। तो इस तरह ये इलेक्ट्रिक का बिजनेस जो है आपका वो कामयाब हो सकता है। तो मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं जितना नॉलेज मुझे है मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने का। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी इसको डिस्कस करें। अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों सबका ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।